अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई गलत काम के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे धमकी भरे फोन आते हैं, उसकी जान को खतरा होता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है राजकुंद्रा के खिलाफ आवाज उठाने वाली मॉडल के साथ। एक रिपोर्ट की माने तो मॉडल को जान से मारने और रेप की धमकियां मिल रही हैं। लोग यहां तक तो कह रहे हैं कि आप लोग देखते हैं तभी तो हम बनाते हैं ये सब। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। राजकुंद्रा पर न्यूड ऑडिशन की मांग करने का आरोप लगाने वाली मॉडल सागरिका शोना सुमन ने अपने नए दावे से बवाल मचा दिया है। सागरिका शोना ने दावा किया कि राजकुंद्रा के खिलाफ बोलने के बाद उन्हें धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सागरिका ने खुलासा किया कि उन्हें व्हाट्सएप और मैसेंजर पर जान से मारने और रेप की धमकियों भरे कॉल आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सागरिका ने कहा कि मैं परेशान और उदास हूं क्योंकि मुझे अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉल्स आ रहे हैं, वे मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे जान से मारने और रेप की धमकियां मिल रही हैं। लोग मुझे अलग अलग नंबरों से फोन कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि राजकुंद्रा ने क्या गलत किया है। सागरिका ने आगे कहा कि वे मुझे धमकी दे रहे हैं और मुझ पर उनका कारोबार बंद करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा कि आप लोग पॉर्न फिल्में देखते हैं इसीलिए ही हम बना रहे हैं। सागरिका का ये भी कहना है कि उन्हें महसूस होता है कि उनकी जान खतरे में है। वो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएंगी जो उन्हें धमकी भरे और वल्गर कॉल्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि फरवरी महीने में सागरिका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राजकुंद्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सागरिका का कहना है कि राजकुंद्रा ने उन्हें एक वेब सीरीज का ऑफर दिया था जिसके लिए उन्होंने उनसे न्यूड ऑडिशन की मांग भी की थी। सागरिका ने कहा कि अगस्त 2020 में मुझे उमेश कामत का फोन आया था जिसने मुझे राजकुंद्रा द्वारा निर्मित वेब सीरीज का ऑफर दिया था। जब मैंने वीडियो कॉल ज्वाइन की तो उन्होंने मुझसे न्यूड ऑडिशन मांगा जिसके लिए मैंने उन्हें इनकार कर दिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफी केस में राजकुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि उन्हें इस मामले में कई लड़कियों ने संपर्क किया है। राजकुंद्रा समेत इस मामले में अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने कहा था कि राजकुंद्रा इस मामले में मास्टरमाइंड हो सकते हैं, उनके पास इस मामले में पर्याप्त सबूत है। दिन ब दिन राजकुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस के बयानों की माने तो पुलिस के पास राज के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उन्हीं के आधार पर पुलिस ने पूछताछ के बाद राज को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने राज की गिरफ्तारी के बाद एक बंगले पर छापा मारकर वहां हो रही अश्लील फिल्म की शूटिंग को भी रुकवा दिया था और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है। तो ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अरे तू मोबाइल ही देखती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? अरे तुम ऑफिस भी जाओगे या मोबाइल ही देखते रहोगे? अरे मोबाइल से बाहर भी निकलो, बाहर भी कोई दुनिया है। तो देखा आपने, आजकल न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी सबका काम एक डिवाइस कर रहा है और वो है आपका मोबाइल। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं क्योंकि हम यानी कि मिशी मीडिया सॉल्यूशंस 2500 से भी ज्यादा वीडियो मार्केटिंग के वीडियोस बना चुके हैं और भारतीय कंपनियों के साथ हजारों वीडियोस बना चुके हैं। 35 देशों में हमारी कंपनी की पहुंच है। यहाँ पर आप हमारी कंपनी के सीक्रेट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं, अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में वीडियोस बनाते हैं। तो आज ही कॉन्टैक्ट करें और अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाएं।